हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय इकोनॉमिक्स गाइड में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के हमारी वीडियो की। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जहां आपको दिए गए डेटा से सब डिवाइडेड बार डायग्राम तैयार करना है, जहां आपको किसी कंपनी की मंथली सेल दी गई है, जिसमें कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर इन सब की आपको सेल दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें मई के मंथ में, दैट इज 15 फॉर कूलर, 40 फॉर एसी, 25 फॉर रेफ्रिजरेटर, टोटल जो हमें मिलता है दैट इज 80। अब यह बात आती है कि हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को तैयार कैसे करें। तो दोस्तों, सब डिवाइडेड बार डायग्राम को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो डेटा दिया गया है, जितना भी ये डेटा दिया गया है, आपको इस डेटा का सीएफ निकालना होगा, यानी कि आपको इस डेटा का स्टेप टोटल करना होगा। तो आइए अब पहले मे के बारे में करते हैं कि मे को अगर हम तैयार करेंगे तो कैसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते हैं। तो यहां हमने मे का मंथ लिया है, एंड दैट इज हमने यहां लिया है इस दिए गए डेटा का सीएफ, यानी कि दिए गए डेटा को स्टेप बाय स्टेप टोटल करके हमने यहां लिखा है। कैसे? सबसे पहली वैल्यू 15 है जो हमने यहां लिख दी है। फिर जब हम इस 15 में 40 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है दैट इज 55। और जब इस 55 में हम नेक्स्ट बची हुई वैल्यू को ऐड करते हैं 25 को, तो 55 प्लस 25 इन दोनों को टोटल करके हमारे पास वैल्यू आती है 80। तो आइए दोस्तों, हम फटाफट समझते हैं कि हमें कैसे इस मंथ का सीएफ बनाना है, कैसे हमें इस टोटल वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप टोटल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये जो 15 है वो लिख दिया है, 15 हमारे पास यहाँ आ गया है। अब हम इस 15 में जो हमारे पास वैल्यू आई 15 में, इसमें हमें नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 40 ऐड करना है। तो जब आप 15 में 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 55। और ऐसे ही हमने क्या किया है कि जो 55 वैल्यू आई है, इसमें हमें नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 25 को ऐड करना है। तो 55 प्लस 25 दैट इज 80। तो इस तरह से हमने मई के मंथ में जो टोटल हमने सेल आउट किया है उसका हमने क्या कर लिया है, सीएफ बना लिया है। अब इसी सीएफ के आधार पर आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। याद रहे कि आपको डायरेक्ट इस डेटा से डायग्राम नहीं बनाना है, आपको पहले पूरे दिए गए डेटा का सीएफ बनाना है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। तो इस सीएफ के आधार पर जो डायग्राम बनता है दैट इज कि मई के मंथ में हमने जो कूलर सेल किया दैट इज 15, उसके बाद जो हमने एसी सेल किया वैसे तो 40 सेल किया, लेकिन जो टोटल सेल है वो कितनी हुई है 55। सो 55 यहाँ आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 55 क्यों लिया, क्योंकि 55 में अगर हम देखते हैं तो हमें जो हमने जो सेल की थी कूलर की वो भी तो रखनी है ना। तो हमने क्या किया, कूलर की सेल प्लस एसी की सेल, तो टोटल सेल मिलाकर 55 हुई है। लेकिन अगर हम यहां इसके हिसाब से चलते तो शायद हमारा डायग्राम गलत हो जाता है। इसलिए आप पहले सीएफ निकालने वाले हैं और लास्ट में आप देखते हैं कि जो हमने टोटल सेल किया दैट इज 80। तो हमारा यहाँ सब डिवाइडेड बाय डायग्राम जो मई के मंथ का है दैट इज रेडी। अब हम बात करते हैं जून की। तो जून के बारे में हम सेम काम करने वाले। जब हम जून के बारे में बात करते हैं तो हम इसका भी पहले सीएफ बनाएंगे, यानी कि 10 को लिखा, फिर 10 में इससे नेक्स्ट जो वैल्यू हमें दी गई है उसको ऐड कर दिया। तो 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है 40, और 40 में इसके बाद की जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई है उसको भी ऐड कर देना है, तो टोटल कितना आता है 60। तो आइए फिर से हम जून के बारे में भी, जून का जो सब डिवाइडेड बाय डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, पहले हमारी वैल्यू कितनी आती है दैट इज 10, तो 10 आ जाएगा, उसके बाद 40 और उसके बाद 60। तो यहां हमारा जो सब डिवाइडेड बाय डायग्राम बनता है वो बनता है ये। और लास्ट में हम करते हैं जुलाई के लिए। तो जुलाई के मंथ में जो वैल्यूज दी गई उसका भी हम पहले सेफ बना लेते हैं। तो दैट इज 20, 20 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 30, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाता है 50, और 50 प्लस 30 कितना हो जाता है 80। सो हियर पहले हमने 20 बनाया, 20 के बाद हमारी वैल्यू है 50, और 50 के बाद हमारी वैल्यू है 80। तो दोस्तों, ये हमारा हो जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम तैयार। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है तो आप डायरेक्ट इस डेटा को यूज ना करें। सबसे पहले इस दिए गए डेटा को आप सीएफ में कन्वर्ट करने, यानी कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लें, इसको क्यूमुलेट कर लें, इसकी जो वैल्यूज है उसको स्टेप बाय स्टेप टोटल कर लें, और जो टोटल वैल्यूज आती है आप उसी के आधार पर सब डिवाइडेड बार डायग्राम को तैयार करें। इससे आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।